चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो ये था कौशल महाजनपद का। अगला प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? ये था थानेश्वर के पुष्पभूति राजवंश से। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह के। अगला आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला किस प्राचीन भारतीय शासक को सौ युद्ध का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला है सोलंकी वंश के किस शासक ने के शासन काल में महबूब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? भीम प्रथम के। अगला क्वेश्चन है नूर जहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी? जहांगीर का मकबरा, इत्मादौला का मकबरा। अगला है नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना, उसका नाम था विष्णुगुप्त या चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला है भारत में इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक शासन करने वाले शासकों को वंश का को कहा जाता था दास वंश या गुलाम वंश। अगला एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था? कृष्ण देव राय का। अगला है 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है, यह स्थल है मोहनजोदड़ो। अगला ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों से इसको संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। अगला है संसारिक दुख से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की। अगला स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनुस्मृति में। अगला एक कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली। अगला एक फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। अगला है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। अगला है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक दो बार हुआ? औरंगजेब का। अगला है महमूद गजनवी के भारत आक्रमण को अलवरनी ने किसकी संज्ञा दी? जिहाद की। अगला है चीनी बौद्ध यात्री वेन शांग ने बतापी की यात्रा की, उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अगला अजात शत्रु किस वंश का शासक था? हरेक वंश का। अगला वेदों का अपूर्व रूप से क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला आस्तो माँ सदग मय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। अगला है पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी है? मोरक्को का। अगला है संपूर्ण वैदिक साहित्य को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो उनकी रचना के चार चरण भी माने जाते हैं, यह चार श्रेणियां थी संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, अरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। अगला है अबू है रेहान मोहम्मद किस इतिहास के प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? अलवरणी का। अगला है 1206 ईस्वी से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का। अगला है नूर जहां ने किसको इत्माद उद्दौला की उपाधि प्रदान की? अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग को।
अगला है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के कदरों में। अगला है, ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की दो दो अवस्थाएं हड़प्पा पूर्व व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, वनवाली और कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, कौन है वह? नागार्जुन। अगला, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इंकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो ये था मुबारक शाह खिलजी। अगला है, भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्ताधीन था? तो ये था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला है, भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है जमात खाना मस्जिद। अगला है, अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की थी? गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। अगला है, किस मुगल सम्राट ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? याद रखिए, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह तो यही है और यही है नहीं। अब यह उक्त भारत की ऐतिहासिक इमारत में लिखी है, दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। अगला है, चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? राणा प्रताप का। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघ वर्मन ने समुद्रगुप्त से बौद्ध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। अगला, राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया जिसके कारण किसानों राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था? राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल किया? शेर शाह। अगला है, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में पिछले रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक। अगला है, नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है यह किसके काल में हुआ? चोल वंश। अगला है, सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा। अगला है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी? हरिसेन ने। अगला है, अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर। अगला है, रामचरित मानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर। अगला है, मिलिंद पनयो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के इस मध्य संवाद का वर्णन है? नागसेन। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाड़ी ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम। अगला है, दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने। अगला, किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? तो ये था नागार्जुन। अगला, चोल राजाओं ने किस एक से सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने। अगला है, इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगद गुरु कहकर। अगला है, संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन और विचलित देवता मुरुगन तथा कालांतर में से कहा जाता है सुब्रहण्यम। अगला है, तोलकप्पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? द्वितीय संगम काल से। अगला क्वेश्चन है, गुप्त कालीन मंदिर कहाँ के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है?
किसकी कृति थी? विष्णु शर्मा की। अगला क्वेश्चन है, चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? गोपुरम। अगला है, बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। अगला है, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सिकंदर लोधी ने।